स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ये मौजूद है। यहाँ से आपको कैमरे में थोड़ा नज़र आता होगा कि ये मीनार थोड़ी झुकी हुई नज़र आएगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ। तो अब हम जाने वाले हैं एक यूनिक प्लेस पर, शायद आप लोग गए हो, अगर गए हो तो मुझे कमेंट में बताना। और वो यूनिक प्लेस है कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, जो मशहूर अजूबे हैं दुनिया के, उसका म्यूज़ियम है। वो म्यूज़ियम में 7 अजूबे बताए गए हैं। तो अभी पहले हम लोग यहाँ दोपहर का खाना खा लेते हैं, तकरीबन ये 3:45 हो चुके हैं, तो खाना अभी हमारा बाकी है। तो किसी एक होटल में जाके हम खाना खा लेते, इसके बाद हम वो म्यूज़ियम की ओर चलेंगे। अजमेर सिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी सिटी है, ये अजमेर सिटी है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम होटल की ओर जा रहे हैं जहाँ हम दोपहर का खाना खाएंगे। तो सोचा कि थोड़ा आपको अजमेर सिटी की भी शेयर करा लूँ। तो हम ये होटल में दोपहर का खाना खा लेते हैं, ये ओनली वेज है अजमेर में, ये ओनली वेज होटल है। तो देख लेते हैं क्या क्या आइटम है। वेज होटल है तो अजमेर में आवे तो सिर्फ वेज ही खाइए, नॉन वेज की तरफ ध्यान ना देवे, बिल्कुल वेज की तरफ ध्यान देवे और वेज ही खाना चाहिए। बाहर जब घर से बाहर निकलो तो वेज ही खाना चाहिए। खाना आ चुका है, ये चना मसाला है, ये क्या है, पनीर, शाही पनीर, और ये दाल तड़का है। हम लोग खाना खा चुके हैं, लोग आ चुके हैं जहाँ पर लाइन भी लगी हुई है टिकट की। तो पहले यहाँ से हम टिकट परचेज कर लेंगे। टिकट क्या लाइन में लगा? यूनिटी। हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं 7 अजूबे के अंदर। तो सबसे पहले आपको एफिल टावर, ये पेरिस का है, ये जो 7 अजूबे में इसका शुमार होता है। अब इस तरफ के हिस्से में आगे चलते हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ये मौजूद है। ये भी दुनिया के 7 अजूबे में इसका शुमार होता है। इसकी जो उसके ऊपर जो मूर्ति स्टैचू बनाए हैं, ये बहुत ऊंचा स्टैचू है। और ये इस सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये पिरामिड है, ये शायद इजिप्ट का है, मिस्र शहर का है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्र का विशाल पिरामिड। तो ये बहुत, ये 7 अजूबे में इसका शुमार होता है। और इस तरफ के हिस्से में हमारे हिंदुस्तान का मशहूर प्लेस ताजमहल, तो चलते पास में। तो दुनिया के 7 अजूबे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे हिंदुस्तान का मशहूर ताजमहल का। ये क्राइस्ट द रिडीमर है, ये ब्राज़ील का है, आप पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। ये है ये ब्राज़ील का, ये 7 अजूबे में से एक अजूबा ब्राज़ील का है। इस तरफ आगे के हिस्से में हम चलते हैं, ये भी 7 अजूबे में से एक अजूबा माना जाता है। ये दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा, ये यहाँ लिखा है पिसा की झुकी मीनार, और ये इटली का है। और ये मीनार थोड़ी झुकी हुई है, तकरीबन ये लड़ाइयों के वजह से 1173 ईस्वी में ये बनना शुरू हुई थी, और करीबन 200 साल लगे हैं इसको बनने में। वजह उसकी ये है 200 साल लगने की, कि
कि उस ज़माने में जंगें ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से इसका काम अधूरा रहता था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता होके 200 साल लग चुके इसको बनने में, इसलिए इसको और उसको झुकी मीनार इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी झुकी हुई है ये मीनार। तो हमको तो रियल में दिख रहा है, अगर आपको कैमरे में दिखता है कि नहीं वो मुझे बताना, लेकिन हमें रियल में ऐसा लग रहा है कि ये पूरी मीनार झुकी हुई है। ये जो इमारत है कॉलिजियम और ये रोम शहर इटली की, ये 7 अजूबे में से ये भी एक अजूबा है, और ये तकरीबन सन ईस्वी 72 में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के या दुनिया में कब, यानी जो ईस्वी सन चली है जो साल, उसके 72 साल के बाद इसको बनाया गया था, और 80 तकरीबन 8 साल में ये बन के तैयार हुई है। तो ये बहुत पुरानी इमारत है और ये दुनिया के 7 अजूबे में से इसको गिना जाता है। दुनिया के 7 अजूबे का म्यूज़ियम। तो अब चलिए यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।